हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे आईआईटी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें दोस्तों यहां पर डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए इस वैकेंसी आई हुई है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट के कैंडिडेट इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं साथ में दोस्तों इसमें आप इसके फॉर्म को कैसे सबमिट कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसीज की कि इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं तो दोस्तों इसमें तीन पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई हैं जिसमें मैकेनिकल की पोस्ट के लिए उनतीस वैकेंसी दी गई हैं इलेक्ट्रिकल के लिए सात एन इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए चार वैकेंसी आई हुई हैं जिसमें से दोस्तों मैकेनिकल की पोस्ट के लिए उनतीस वैकेंसी में से यू के कैंडिडेट के लिए ग्यारह ई के लिए तीन ओ के लिए आठ एस के लिए पाँच एन के कैंडिडेट के लिए दो वैकेंसी रखी गई है एन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए सात वैकेंसी दी गई हैं दोस्तों जिसमें से यूआर के कैंडिडेट के लिए तीन ई के लिए एक ओ के लिए दो एस के लिए एक वैकेंसी दी गई है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए दोस्तों चार वैकेंसी है जिसमें से यू के कैंडिडेट के लिए तीन एन ओ के कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी रखी गई है देन दोस्तों अब बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों इसमें हाई स्कूल क्वालिफाइड कैंडिडेट इस हाँ फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं साथ में दोस्तों वो कैंडिडेट जिन्होंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से तीन साल का डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ हो जिसमें से ओ बी सी एन यू आर के कैंडिडेट ने सिक्सटी परसेंट अग्रेड मार्क्स से एंड एस सी एस टी एन पी डब्ल्यू डी के कैंडिडेट ने फिफ्टी फाइव परसेंट अग्रेड मार्क्स से अपने कोर्स को क्वालिफाइड किया हुआ हो दैन दोस्तों बात करें यहाँ पर सैलरी पैकेज की तो यहाँ पर दोस्तों उन्नीस हजार उनतीस रुपए की पर मंथ की सैलरी पैकेज रखी गई है जिसमें दोस्तों साथ में बेसिक बी डी ए एन एच आर भी दिया जाना है अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अपर एज लिमिट की तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम अठारह साल एंड मैक्सिमम तीस साल की एज लिमिट रखी गई है जिसमें से एस टी के कैंडिडेट के लिए पाँच साल की ओ के कैंडिडेट के लिए तीन साल की रिलेक्स एज भी रखी गई है देन दोस्तों बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की किस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रखा गया है तो दोस्तों यहाँ पे कैंडि करन... कैंडिडेट का डिप्लोमा इंजीनियरिंग के मार्क्स के थ्रू कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना है जिसके बाद दोस्तों उनको राइट एंड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा एंड दोस्तों फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मेरिट लिस्ट एंड राइट एन टेस्ट के थ्रू किया जाएगा देन दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथ में दोस्तों आपको इसके नोटिफिकेशन के लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिसके थ्रू आप इस वैकेंसी की सारी डिटेल ले सकते हैं दोस्तों आप इसके फॉर्म को पाँच मई दो तक सबमिट कर सकते हैं दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट यहाँ पर पंद्रह मई दो तक रखी गई है एंड दोस्तों इसकी एग्जामिनेशन की डेट की बात करें तो यहाँ पे चार सात दो हज़ार इक्कीस के यहाँ पे इसकी एग्जामिनेशन की डेट रखी गई है एंड प्लेस ऑफ राइट एंड टेस्ट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे लखनऊ में इसके एग्ज़ाम सेंटर की जगह रखी गई है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग